दोस्तों आज की इस वीडियो का हमारा टॉपिक रहेगा विलियम शेक्सपियर का एक प्ले एंटोनी एंड क्लियोपेट्रा, जिसे अर्ली 16th सेंचुरी में लिखा गया इंग्लैंड में और 1623 में इसको पब्लिश करवाया गया। दोस्तों इस प्ले की सेटिंग रखी गई है, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं ये प्ले एक ट्रेजेडी है और इस प्ले की सेटिंग रखी गई है रोम और इजिप्ट में अराउंड 31 BCE। दोस्तों एक प्ले का आपने नाम सुना होगा, विलियम शेक्सपियर का ही है, वो जूलियस सीजर। वो प्ले अगर आपने नहीं देखा है तो अभी जाकर के देख लीजिए, मैंने एक वीडियो बनाई है और वो प्ले इस प्ले से डायरेक्टली जुड़ा हुआ है। ये समझ लो उस प्ले का ये प्ले सेकंड पार्ट है, समझ लो ऐसा ही समझ लो। तो दोस्तों ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए शुरू करते हैं आज की हमारी वीडियो। दोस्तों इस प्ले की शुरुआत होती है इजिप्ट से। इजिप्ट में एक सैनिक सोच रहा है कि क्लियोपेट्रा के प्रेम ने एंटोनी को कितना निकम्मा कर दिया है, मतलब इतना कमजोर कर दिया है। अब क्लियोपेट्रा और एंटोनी की एंट्री होती है प्ले में। क्लियोपेट्रा एंटोनी से पूछती है कि तुम मुझसे कितना प्रेम करते हो, तो एंटोनी उसे बोलता है कि मैं बता नहीं सकता, मतलब नाप नहीं सकता कि मैं तुमसे कितना प्रेम करता हूं। तभी वहां पर एक मैसेंजर आता है रोम से न्यूज लेकर, लेकिन एंटोनी उस मैसेंजर और उसके मैसेज की बेइज्जती कर देता है, ये बोलकर कि अभी उसे रोम की कोई परवाह नहीं है, उसे सिर्फ क्लियोपेट्रा की परवाह है। तब ये एंटोनी और क्लियोपेट्रा वहां से चले जाते हैं। वहां पर एक सिपाही ये सोचता है कि एंटोनी ऑक्टेवियस की तरफ कितना डिसरेस्पेक्टफुल हो गया है। दोस्तों ये ऑक्टेवियस जूलियस सीजर का अडॉप्टेड बेटा है और इसी ऑक्टेवियस ने इस मैसेंजर को भेजा था रोम से इस एंटोनी के लिए, लेकिन एंटोनी तो क्लियोपेट्रा के पीछे पागल हो रहा है। दोस्तों इस क्लियोपेट्रा की दो सर्वेंट्स हैं, ये एक सूत सेयर का मतलब जो भविष्य बताता है, उससे कुछ कंसल्ट कर रही थी। तभी वहां पर क्लियोपेट्रा आती है एंटोनी को ढूंढती हुई, लेकिन जब एंटोनी वहां आता है तो क्लियोपेट्रा उस पर गुस्सा हो जाती है और वहां से चली जाती है। वहां पर एक मैसेंजर आता है और इस एंटोनी को बताता है कि इसकी जो रोम में एक वाइफ है फुलविया, उसने ऑक्टेवियस के खिलाफ जंग छेड़ दी है। और ये मैसेंजर एंटोनी को बताता है कि तुमने अपने एशिया माइनर की टेरिटरी को खो दिया है। ये सब इसलिए हुआ है कि तुम अपनी ड्यूटीज को भूलकर यहां इजिप्ट में पड़े हुए हो, क्लियोपेट्रा के साथ पड़े रहो, यहां पे मजे लेते रहो और तुम्हारी सारी टेरिटरीज हाथ से चली जाएंगी। तभी वहां पर दूसरा मैसेंजर ये न्यूज लेकर के आता है कि इस एंटोनी की जो रोम में वाइफ है फुलविया, उसकी डेथ हो चुकी है। एंटोनी अब सोचता है कि बहुत हो गया, अब यह फैसला करता है कि यह रोम जाएगा, यह रोम जाने का फैसला कर लेता है। क्लियोपेट्रा और इजिप्ट की जंजीरों को तोड़कर यह रोम जाएगा। अब दोस्तों आपने जूलियस सीजर पढ़ी हो या नहीं, मैं आपको बता देता हूं कि इस कहानी में सेक्सटस पॉम्पे नाम का एक कैरेक्टर है, यह पॉम्पे द ग्रेट का बेटा है। यह पॉम्पे द ग्रेट जूलियस सीजर में था। दोस्तों यह पॉम्पे जो है यह ऑक्टेवियस और एंटोनी दोनों का दुश्मन है। अब ये एंटोनी क्लियोपेट्रा के पास आता है और इसे बोलता है कि मुझे जाना होगा, तो क्लियोपेट्रा इस पर गुस्सा करती है और कहती है कि तुम मुझे धोखा दे रहे हो, लेकिन ये बोलता है कि मुझे अपनी ड्यूटीज़ को पूरा करने के लिए रोम जाना ही होगा, लेकिन मैं वादा करता हूँ कि हमारे बीच में ये जो दूरियाँ हैं ये हमारे प्रेम को कम नहीं कर पाएंगी। अब दोस्तों रोम में ऑक्टेवियस लैपिडस से बोलता है, लैपिडस इनके साथ का ही एक साथी है, ऑक्टेवियस और एंटोनी के साथ में ही ये लैपिडस इनका साथी है। तो ये ऑक्टेवियस लैपिडस से बोलता है कि कैसे एंटोनी इजिप्ट में अपना टाइम शराब पीने और पार्टी करने में वेस्ट कर रहा है, क्लियोपेट्रा के रिलेशनशिप ने उसे एकदम वुमेनली बना दिया है। ये दोनों ये सोच रहे हैं कि एंटोनी वापस आएगा, क्योंकि पॉम्पे की ताकत जो है अब बढ़ती जा रही है और वो बहुत ही डेंजरस होता जा रहा है इन लोगों के लिए। अब हम लोग इजिप्ट में वापस चलते हैं। तो इजिप्ट में एंटोनियो तो अब चला गया है, तो क्लियोपेट्रा एक हिजड़े के साथ अपना टाइम पास करती है। क्लियोपेट्रा को एंटोनी की बहुत याद आती है। तभी उसके पास एंटोनी का एक मैसेज आता है और मैसेज में एक मोती उसको मिलता है, तो वो ये देखकर के बड़ी खुश होती है। क्लियोपेट्रा एंटोनी का ये मैसेज पाकर के बड़ी खुश होती है और फैसला करती है कि वो रोज एंटोनी को एक लेटर भेजेगी एंटोनी को रोज। अब दोस्तों ये सेक्सस पॉम्पे अपने आदमियों मीनस और मेनेक्रेट्स के साथ बैठ करके अपनी स्ट्रेटेजी डिस्कस करता है। दोस्तों सेक्सस पॉम्पे मैं आपको बता चुका हूँ इन तीनों के खिलाफ है, और ये तो अभी भी ये सोच रहा है, ये सेक्सस पॉम्पे तो अभी भी ये सोच रहा है कि एंटोनी अभी भी इजिप्ट में अय्याशी कर रहा है,
लेकिन ये सरप्राइज हो जाता है जब इसका मैसेंजर इसको बताता है कि एंटोनी ने इजिप्ट छोड़ दिया है और वो रोम चला गया है अपनी ड्यूटीज को पूरा करने के लिए। अब ये सेक्सस पॉम्पे अपने आदमी मीनस से बोलता है कि अगर ये एंटोनी और ऑक्टेवियस एक हो गए तो हमारे लिए तो प्रॉब्लम हो जाएगी यार। तो फाइनली अब एंटोनी रोम वापस आ गया। अब रोम वापस आते ही ऑक्टेवियस के साथ इसका कुछ विवाद हो जाता है। ये ऑक्टेवियस क्या है कि इसको एंटोनी को सुनाने लगता है कि तुम अपनी ड्यूटीज को कैसे भूल गए, अपनी जिम्मेदारियों को भूल गए और इजिप्ट में कितने मैसेंजर्स मैंने तुम्हारे पास भेजे और तुम हो कि सबको नजरअंदाज करते गए। अब ये लेपिडस इन दोनों को शांत करवाने लगा और एक एडवाइजर है, ये नाम है उस एडवाइजर का, ये इन तीनों को बोलता है कि इन तीनों को एक हो जाना चाहिए पॉम्पे को हैंडल करने के लिए, क्योंकि अगर ये तीनों एक रहेंगे तभी जाकर के ये पॉम्पे को हैंडल कर सकेंगे। अब दोस्तों इस ऑक्टेवियस का एक कमांडर है जिसका नाम है एग्रिपा। तो ये एग्रिपा ऑक्टेवियस को सजेशन देता है कि इस एंटोनी की पत्नी जो रोम में रहती थी ये फुलविया, ये तो मर चुकी है, तो क्यों ना एंटोनी की शादी तुम्हारी सिस्टर, तुम्हारी बहन ऑक्टेविया से करवा दी जाए। ऑक्टेवियस की एक बहन है जिसका नाम है ऑक्टेविया, उससे इस एंटोनी की शादी करवा दी जाए जिससे ये हमारे पास रुक जाएगा और हम लोगों का एक तरह से साथ देगा इस लड़ाई में। अब हर कोई एग्रिपा के इस प्लान से एग्री हो गया, लेकिन मैं तो ये सोच रहा हूँ कि क्लियोपेट्रा का क्या होगा। जब क्लियोपेट्रा को ये खबर पता चलेगी कि एंटोनी की शादी हो रही है ऑक्टेविया से, तो उसको कैसा लगेगा। तो खैर अब जो हो सो हो, ये ऑक्टेवियस अपनी बहन ऑक्टेविया को एंटोनी से मिलवाता है। ऑक्टेविया और एंटोनी मिलते हैं और इन दोनों की शादी कर दी जाती है। और अब जैसा कि मैंने सोचा था, इजिप्ट में क्लियोपेट्रा को जब पता चला कि एंटोनी की शादी ऑक्टेविया से हो गई है, तो जो मैसेंजर ये न्यूज लेकर के आया था, क्लियोपेट्रा उसी पर गुस्सा हो गई, उसी पर अपना गुस्सा निकालने लगी। ये क्लियोपेट्रा एलेक्सिस को भेजती है कि जाकर देख कर तो आओ ये ऑक्टेविया आखिर दिखती कैसी है। अब दोस्तों इटली में ये पॉम्पे इन तीनों से, ऑक्टेवियस, एंटोनी और लेपिडस, इन तीनों से मिलता है और इनके साथ एग्रीमेंट कर लेता है। वहां ये पॉम्पे के दोनों आदमी मीनस वगैरह जो हैं, ये आपस में डिस्कस करते हैं कि क्या एंटोनी और ऑक्टेविया, ये एंटोनी जो है ये ऑक्टेविया के साथ टिक पाएगा। मतलब इस एंटोनी का चक्कर तो क्लियोपेट्रा के साथ में है ना, क्या ये इसके साथ टिक पाएगा ऑक्टेविया के साथ में। अब जैसे ही ये एग्रीमेंट हुआ इन तीनों के बीच में और पॉम्पे के बीच में, तो हर कोई बोट पे, इस बोट पे हुआ था एग्रीमेंट, इस बोट पे हर कोई शराब पीने लगा, मतलब टल्ली हो गए सारे के सारे। और ये लेपिडस तो दोस्तों कुछ ज्यादा ही नशे में हो गया, इसे तो इसके सर्वेंट्स लेकर के गए। अब ये सारे के सारे नशे में हो रहे थे तो मीनस पॉम्पे से पूछता है, अगर तुम बोलो, अगर आप बोलो हुजूर, तो यहीं की यहीं इन सबको खत्म करवा दूं। लेकिन पॉम्पे अपने आदमी मीनस को मना कर देता है कि हमें इतना अवसरवादी नहीं होना चाहिए, हमारी संधि हो गई है ना, हमारे एग्रीमेंट हो गया ना इन लोगों के साथ में, तो बस। तो मीनस को बड़ा गुस्सा आता है कि पॉम्पे सिचुएशन का फायदा क्यों नहीं ले रहा। अब दोस्तों जैसा कि मैंने आपको बताया कि दावत में सारे के सारे टल्ली हो रहे थे, तो ऑक्टेवियस बोला मैं कुछ ज्यादा ही टल्ली हो रहा हूं, मैं कुछ ज्यादा ही टल्ली हो गया, तो ये वहां से चला गया। अब वहां रोम में ऑक्टेविया ये सोच सोच के रो रही है कि क्योंकि उसकी शादी एंटोनी के साथ हो गई है, तो उसे अपने भाई ऑक्टेवियस को छोड़ करके एंटोनी के साथ जाना होगा एथेंस। यहां ऑक्टेवियस भी ये बात सोच सोच के दुखी है, लेकिन फिर भी वो अपनी सिस्टर को, अपनी बहन को रवाना करता है। इजिप्ट में जब क्लियोपेट्रा को ये पता चलता है कि एंटोनी की नई वाइफ जो है ऑक्टेविया, वो इतनी खूबसूरत नहीं है, तो उसको थोड़ी सी हिम्मत मिलती है। अब दोस्तों एथेंस में एंटोनी अपनी नई वाइफ ऑक्टेविया को लेकर के चला गया है। वहां अपने घर में एंटोनी अपनी वाइफ ऑक्टेविया से ऑक्टेवियस की कंप्लेन करता है, ऑक्टेविया से उसके भाई ऑक्टेवियस की कंप्लेन करता है, क्योंकि ऑक्टेवियस अब एंटोनी से अच्छा बिहेव नहीं कर रहा। अब ऑक्टेविया कहती है कि वो अपने भाई ऑक्टेवियस के पास रोम जाकर के उससे बात करेगी इस मामले में। अब दोस्तों ऑक्टेवियस और पॉम्पे के बीच में फिर से लड़ाई हुई जिसमें ऑक्टेवियस ने पॉम्पे को हरा दिया। अब दोस्तों एक बात मैं आपको और बता दूं कि ये लेपिडस जो है ये भी पावर से बाहर हो गया है, यानी अब पावर में सिर्फ दो ही लोग बचे हैं, एंटोनी और ऑक्टेवियस, और ये दोनों आपस में लड़ रहे हैं। अब दोस्तों हम लोग रोम चलते हैं। रोम में ऑक्टेवियस अपने आदमियों के सामने गुस्सा करता है कि एंटोनी कितना पागल हो गया है, वो क्लियोपेट्रा को उसने इजिप्ट की रानी बना दिया और दूसरे किंगडम्स भी क्लियोपेट्रा को दिए जा रहा है, क्योंकि पावर में अभी सिर्फ दो ही लोग हैं, ऑक्टेवियस और एंटोनी। एंटोनी अपने सारे किंगडम्स क्लियोपेट्रा को दिए जा रहा है,
तो ऑक्टेवियस को गुस्सा आता है, तभी इसकी बहन ऑक्टेविया इसके पास आती है एंटोनी की माफी मांगने, एंटोनी की हरकतों के लिए माफी मांगने। लेकिन ऑक्टेवियस अपनी बहन ऑक्टेविया को कहता है कि बहन एंटोनी तुम्हें धोखा दे करके इजिप्ट भाग गया है, अब हम लोग इजिप्ट चलते हैं। अब दोस्तों इजिप्ट में एंटोनी क्लियोपेट्रा के साथ मिलकर के ऑक्टेवियस के खिलाफ लड़ाई लड़ने की तैयारियां कर रहा है। दोस्तों ये क्लियोपेट्रा फैसला कर लेती है कि ये एंटोनी के साथ जाकर के लड़ाई में हिस्सा लेगी, लेकिन एंटोनी का आदमी इनोबार्बस को मना कर देता है कि औरतों का कोई काम नहीं है लड़ाई में। अब दोस्तों ये एंटोनी ने क्या किया, अपने कमांडर के मना करने के बावजूद भी ऑक्टेवियस से समुद्र में लड़ने को तैयार हो गया। एक सोल्जर ने तो उसे ये भी कहा कि जनाब एक बार फिर से सोच लो, लेकिन एंटोनी ठहरा तो जिद्दी, उसने कहा कि समुद्र में ही लड़ूंगा मैं इसके साथ में, ऑक्टेवियस के साथ में। अब दोस्तों यहीं इजिप्ट में ये ऑक्टेवियस अपने जनरल्स को ऑर्डर देता है और लड़ाई के लिए अपनी फोर्स को एकदम तैयार कर लेता है। समुद्र में एंटोनी और ऑक्टेवियस की फोर्स आपस में लड़ती है, दोनों के बीच में घमासान युद्ध होता है, तगड़ी टक्कर होती है, लेकिन कोई भी क्लियर विनर का पता नहीं चलता। अब इसी बीच लड़ाई के बीच में क्लियोपेट्रा को पता नहीं क्या होता है, वो वहां से चली जाती है। एंटोनी उसे देख लेता है और उसका पीछा करने लगता है कि क्लियोपेट्रा को आखिर हो क्या गया लड़ते लड़ते। अब दोस्तों ये एंटोनी का क्लियोपेट्रा के चलते अपनी जनता से बिहेवियर कैसा हो गया, कितना मतलब वीक हो गया ये अपनी आर्मी के सामने। अब एंटोनी को क्लियोपेट्रा के महल में खुद पर बहुत शर्म आती है कि वो कैसे इस तरह लड़ाई को आधे में छोड़कर आ गया। वो क्लियोपेट्रा पर फ्रस्ट्रेट होता है कि ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। फिर वो सोचता है कि वो ऑक्टेवियस के सामने अब कोई और रास्ता बचा नहीं है, तो वो ऑक्टेवियस के सामने सरेंडर कर देगा। तो ये एंटनी अपना एक एम्बेसडर ऑक्टेवियस के पास भेजता है, लेकिन ऑक्टेवियस उस एम्बेसडर से बोलता है कि वो एंटनी पर कोई दया नहीं दिखाएगा। हाँ वो क्लियोपेट्रा को माफ कर सकता है अगर वो एंटनी को उसके हवाले कर देगी तो। अब ऑक्टेवियस अपना ये मैसेज क्लियोपेट्रा के पास भेजता है कि तुम एंटोनी को हमारे हवाले कर दो। एंटोनी ऑक्टेवियस के इस मैसेज को देख करके अपसेट हो जाता है और वो फैसला करता है कि अब वो सरेंडर नहीं करेगा। वो ऑक्टेवियस को खुला चैलेंज करता है कि आओ अब वन बाय वन बैटल करते हैं। यहां क्लियोपेट्रा ऑक्टेवियस के मैसेंजर से बात कर रही थी, तो एंटोनी को यह चीज देख करके बहुत गुस्सा आ गया कि वो मैसेंजर क्लियोपेट्रा का हाथ चूम रहा था। एंटोनी क्लियोपेट्रा पर चिल्लाता है कि तुम मुझे धोखा दे रही हो, लेकिन क्लियोपेट्रा उसको शांत करवाती है, कहती है कि ऐसा कुछ नहीं है। अब दोस्तों ये एंटोनी अपनी सारी पावर जुटाने में लग गया ऑक्टेवियस से लड़ने के लिए, लेकिन इस ऑक्टेवियस ने एंटोनी से वन बाय वन बैटल करने से मना कर दिया और कहा कि मैं तो तुम्हारी फोर्स के साथ लड़ूंगा। ठीक है, तो एंटोनी अपने आदमियों से कहता है कि बच्चों रात को तुम जम के पियो, ऐश करो, क्योंकि कल हमें ऑक्टेवियस के साथ फाइनल लड़ाई लड़नी है। अब एंटोनी ने ऐसा क्या बोला, बहुत सारे सिपाही लड़ाई के लिए बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। अब अगले दिन एंटोनी लड़ाई की तैयारियां करने लगा, जाने से पहले उसने क्लियोपेट्रा को किस किया। तभी एंटोनी के पास एक न्यूज आई कि इसका ये जो आदमी था एन बार्बस, ये इसे इसकी हरकतों की वजह से, एंटोनी की हरकतों की वजह से इसे छोड़कर ऑक्टेवियस को जाकर के इसने ज्वाइन कर लिया है, ऑक्टेवियस के साथ मिल गया ये। अब एंटोनी लड़ाई करने के लिए अपने बेड़े तैयार करने लगा। अब लड़ाई शुरू हुई, लड़ाई में ऑक्टेवियस का ये जो आदमी था एग्रिपा, इसने अपनी फोर्स को विड्रॉ कर लिया, इसे मजबूरन अपनी फोर्स को विड्रॉ करना पड़ा और इसी के साथ एंटोनी को अपनी पहली जीत मिली। वो अपनी पहली जीत को सेलिब्रेट करने के लिए अलेक्जेंड्रिया गया, क्लियोपेट्रा के साथ में वो अपनी पहली जीत को सेलिब्रेट करने लगा। अब आ गया लड़ाई का दूसरा दिन। दूसरे दिन एंटोनी ऑक्टेवियस के साथ समुद्र में लड़ाई लड़ने लगा, तभी क्लियोपेट्रा की वजह से एंटोनी के बेड़े ने ऑक्टेवियस के सामने सरेंडर कर दिया। एंटोनी को यह देखकर क्लियोपेट्रा पे बहुत गुस्सा आया, वो सोच रहा था कि क्लियोपेट्रा ने उसे धोखा दिया है। क्लियोपेट्रा उसे शांत करवाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन उसने क्लियोपेट्रा को बहुत भला बुरा सुनाया और उसने कहा कि तुम यहां से चली जाओ। तभी कोई क्लियोपेट्रा को सलाह देता है कि एंटोनी को मनाने का सिर्फ एक ही तरीका है, तुम टॉम पर जाओ और खुद को लॉक कर लो, हम तुम्हारी मौत की अफवाह उड़ाएंगे जिससे एंटोनी को अफसोस होगा, तब हो सकता है एंटोनी तुम्हें माफ कर दे। क्लियोपेट्रा इस प्लान पर एग्री हो गई। वहां एंटोनी अभी भी क्लियोपेट्रा की बुराई कर रहा था, लेकिन जब एंटोनी को पता चला कि क्लियोपेट्रा ने खुद को मार लिया है तो इसे बड़ा अफसोस हुआ। ये खुद को मार लेना चाहता था, ये भी खुद को मार लेना चाहता था। ये खबर सुनने के बाद में एंटोनी अपने आदमी इरोस से कहता है कि मुझे मार दे,
एरोस एंटोनी को मारने के लिए मना कर देता है, वो कहता है मार, तो एरोस खुद को ही मार लेता है। तो एंटोनी को कोई मारने वाला नहीं है तो एंटोनी खुद को ही मार लेता है। तब क्लियोपेट्रा की एक सर्वेंट आकर के एंटोनी को बताती है कि हुजूर आपने खुद को क्यों मार लिया, क्लियोपेट्रा नहीं मरी है एक्चुअल में, यह आपको उकसाने के लिए हम लोगों ने झूठी खबर फैलाई थी, आपने खुद को मारने की क्यों कोशिश की। अब इस एंटोनी को क्लियोपेट्रा के पास टॉम पर ले जाया जाता है। एंटोनी क्लियोपेट्रा के पास टॉम पर जाता है। क्लियोपेट्रा एंटोनी को मरता देख करके बहुत उदास होती है, लेकिन मरते मरते एंटोनी क्लियोपेट्रा से कहता है कि तुम ऑक्टेवियस से अपनी जान बचाओ, तुम ऑक्टेवियस से बचो। लेकिन क्लियोपेट्रा कहती है, उसे ये वादा करने से मना कर देती है, वो कहती है कि वो खुद की जान दे देगी लेकिन ऑक्टेवियस की गुलाम नहीं बनेगी। इन दोनों के बीच में इतनी बात हो ही रही थी कि एंटोनी मर जाता है। क्लियोपेट्रा को ये देख करके बड़ा दुख होता है, वो एंटोनी को दफनाने का हुक्म दे देती है। वहां दूसरी तरफ ऑक्टेवियस ही चाहता था कि एंटोनी चुपचाप सरेंडर कर दे, लेकिन उसे क्या पता कि एंटोनी तो मर चुका है। जब उसे पता चला कि एंटोनी की डेथ हो चुकी है तो उसे बड़ा दुख हुआ, क्योंकि एंटोनी एक बहादुर सिपाही था। अब इस कहानी का एंड आ गया है। ऑक्टेवियस अपने दो आदमियों को क्लियोपेट्रा के पास पे भेजता है ये बात क्लियर करने के लिए कि उसके साथ बुरा बर्ताव नहीं किया जाएगा, तो वो एंटोनी की तरह सुसाइड करने की कोशिश ना करे। बस क्लियोपेट्रा को एक ही काम करना होगा, वो रोम आकर के एक कैदी की तरह परेड करे, उसकी एक परेड निकाली जाएगी एक कैदी की तरह, तो उसे ऑक्टेवियस के सामने सरेंडर करना होगा। लेकिन क्लियोपेट्रा को यह सुनकर के बड़ा अफसोस होता है कि ऐसा कैसे हो सकता है, कभी मेरे एंटोनी ने पूरी दुनिया पर रूल किया था और आज उसे रोम में सबके सामने कैदी की तरह परेड करनी होगी, अब क्या यही इज्जत रह गई उसकी, अरे हटा। क्लियोपेट्रा ने अपने सर्वेंट्स को ऑर्डर दिया कि जाओ बेस्ट से बेस्ट कपड़े लेकर के आओ मेरे लिए, मैं मरते हुए बहुत खूबसूरत बहुत ही सुंदर दिखना चाहती हूँ। फिर एक बास्केट में उसके लिए जहरीले सांप लाए जाते हैं, वो मरने से पहले अपनी सर्वेंट्स को किस करती है, दो सर्वेंट्स होती है उसकी, उनको किस करती है और जहरीले सांप से अपनी छाती पर कटवा लेती है और हाथ पर कटवा लेती है, जिससे वो मर जाती है। उसके पीछे पीछे उसकी ये जो दो सर्वेंट्स हैं ये भी मर जाती है। तभी एक गार्ड भागता हुआ अंदर आता है ये देखने के लिए कि क्या हुआ। ऑक्टेवियस भी वहां आता है और ये चीज देख करके वो बहुत निराश होता है। ऑक्टेवियस बोलता है कि जाते जाते भी बहादुरी दिखा गई। और फिर इस कहानी की लास्ट में ऑक्टेवियस अपने आदमियों से कहता है कि रोम वापस जाने से पहले हम लोग क्लियोपेट्रा को एंटोनियो के पास में दफनाएंगे और पूरी आर्मी इनका फ्यूनरल अटेंड करेगी। और दोस्तों इसी के साथ ये कहानी खत्म होती है।